हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं तो बहुत अच्छे से हूँ। तो मैं जा रही हूँ गाँव। सो मैं जा रही हूँ, आप लोगों को तो पता है मैं कानपुर आ गई हूँ। सो हम लोग अपनी शादी की कुछ पूजाएं रह रही थी वो करने के लिए आए हैं। तो हम जा रहे हैं इनके मामा के घर, मतलब मेरे ममाने वाला ससुराल। हम लोग ऑटो में जा रहे थे सब लोग, पूरी फैमिली। और ये मैंने साड़ी पहनी हुई है। अभी 2-3 दिन तक आप लोग मुझे साड़ी में ही देखोगे, सूट में भी देख सकते हो लेकिन इतना नहीं, लेकिन साड़ी में ही आप मुझे देखोगे। और इस बहाने साड़ी भी पहनना हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं साड़ी कितना कम पहनती हूँ और ससुराल में ही पहनना होता है साड़ी। मैं वहाँ फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। मैंने सोचा आप लोगों को भी अपने इस गाँव की फ़ोटोज़ शेयर करती हूँ, वीडियो शेयर करती हूँ। देखिए गाँव का माहौल तो बहुत अच्छा होता है। बाजरे के खेत मिलते हैं, धान के खेत मिलते हैं, आगे आपको देखेंगे नदी मिलती हैं, इतने सारे पेड़ मिलते हैं, बाग मिलते हैं। गांव के माहौल की तो बात ही अलग है। और सबसे अच्छी बात गांव की कि सब लोग मिलकर जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो और अच्छा लगता है। जहाँ मैं जा रही हूँ मामी जी के घर, वहाँ भी सब लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। उनके घर में 16-17 लोग हैं, सब मिलके रहते हैं, बहुत मज़ा आता है। आप लोग आगे वीडियो में देखोगे कितने सारे लोग रहते हैं और कितने अच्छे लोग हैं। मुझे इतना कंफर्टेबल फील कराया और बहुत अच्छे से रही, इतना प्यार दिया, सब लोग बहुत अच्छे थे। ये सारे मैंने वीडियोस लेती जा रही थी आप लोगों के लिए। आप देखते रहना और आगे बने रहना वीडियो में, आगे पूजा भी देखनी है। तो भाई देखो, ये सभी लोग बैठे हैं यहाँ पे। मेरी माई है, ये सबसे बड़ी वाली भाभी, फ्लैशलाइट एक सेकंड, हाँ, सबसे छोटी वाली भाभी, बीच वाली अभी घूमने गई है। हेलो कर दो भाई, भाभी हेलो करो। ठीक है, इनका भी चैनल है। और ये है हमारी दूसरे नंबर वाली सिस्टर, कहाँ गई नीता, कहाँ गई नीता, नहीं है भाई। ये है सबके गिच्ची पिच्ची, बाकी गुड्डू पहलवान सबको बाद में मिलवाती रहेंगी। क्योंकि माई ने ये बनाई है रबड़ी, हाँ खोया है जो है, हमें तो बहुत दिन बाद मिल रहा भैया। भाई जी परेशान है, भाई जी कह रहे कि हमें क्या नाम, हमें नहीं मिला यार, तुम लोग माल खाओ। देखो छिपकलियाँ यहाँ पे भी पीछा नहीं छोड़ रही हैं। ये है देसी जुगाड़, कौन भूज रहा है इसको बताओ, कौन भूज रहा है इसको बताओ। हेलो शिवा, ये शिवा है जो हमें देसी जुगाड़ में भुट्टा खिलाएंगे और ये हमें खेत घुमाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने भुट्टा खा लिया और अब हम जा रहे हैं शाम को खेत घूमने के लिए। जो मामी जी के खेत थे, बाग थे, वो सब घूमने के लिए जा रहे हैं। हम लेट हो गए जाने के लिए, वरना और थोड़ा अंधेरा ना होता तो हम और वीडियोस बनाते। हम लोग जा रहे थे कुछ वीडियोस बनाने और खेत घूमने। ये देखो सारे खेत जहाँ धान मिली थी हमें, ये बाजरे के खेत, ये सारे कुछ कुछ चीज़ें मुझे पता हैं, कुछ कुछ चीज़ें मुझे बच्चों ने बताई। यहाँ हम लोग शाम को खेत घूमने गए। देखो सब लोग यहाँ वीडियो बना रहे हैं मिल के। बहुत इंजॉय किया। और अभी ये थे नहीं, बाहर गए हुए थे और हम लोग यहाँ खेत में मस्ती कर रहे थे। ये देखो वीडियो बना रहे थे और हमने पिक्चर्स क्लिक किए, वीडियोस बनाए, बहुत मज़ा आया। और फिर नेक्स्ट टाइम फिर खेत घूमने आएंगे। ये हमारी शाम की सब लोगों की पिक्चर्स। और ये शाम को दीदी ने 9 दिन व्रत रखे थे, तो यहाँ शाम को गाने हो रहे थे। डेली होते हैं, आप लोगों को तो पता है 9 दिन व्रत रखते हैं तो शाम को डेली गाने होते हैं। तो यहाँ माता रानी रखी हुई थी, यहाँ शाम को भजन हो रहे थे। और मुझे ढोलक बजाने के लिए बोला गया, जो कि मुझे आती नहीं है, तो यहाँ छोटी वाली भाभी ढोलक बजा रही थी और ये हम लोगों का गाना सुन रहे थे, है ना? मैं कहा था तुम हम लोगों की वीडियो नहीं बना रहे थे जब गाना हो रहा था? तो मैं तो वहाँ चला गया था ना। अरे ये भजन हो रहे थे जब। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। अब हो गया नेक्स्ट डे। मैंने सोचा आप लोगों को मामी जी के घर का होम टूर करवा देती हूँ,
जो कि बहुत बड़ा है, पूरा गांव जैसा ही है। गांव में है तो गांव जैसा ही होगा। ये था घर का पहली एंट्री, जो घर में दो जगह से दरवाजे थे, ये सबसे पहला दरवाज़ा था। तो यहाँ एक बाहर वाला ये वाला रूम था, जो दोनों दीदियों का रूम था, मामी का भी रूम कह सकते हैं। उसके बाद ये सेकंड ये वाला रूम था, जो बड़ी भाभी का रूम था। सो और यहाँ ये सारे खेत की चीज़ें, जैसे कि आप लोगों को पता है, ये तो जिससे हम चरी कूटते हैं, ये वो है जिससे हम गाय को खाना खिलाने के लिए जो चरी काटी जाती है, पूरा उसके खाने के लिए चीज़ें जो काटी जाती है, ये वो है। तो देखो ये कैसी है, मुझे बोल रहे थे चलाने के लिए लेकिन मैंने चलाई नहीं। ये शायद ट्रॉली है जो खेत में पानी देने के लिए काम आती है, शायद नहीं ये वही है। हाँ तो ये आ गया ट्रैक्टर, जिससे खेत जोतते हैं। ये सारे खेतों की चीज़ें रखी हुई हैं, खेतों से रिलेटेड मुझे ज़्यादा नाम नहीं पता। ये पूरा बरामदा वो, ये इनका नल है, ये बाहर जो गाय भैंस खाना खाती हैं, ये पूरे गाय भैंस वाली जगह है बाहर। और ये दूसरी एंट्री भी है घर की। सो देखो काफ़ी बड़ा है, वहाँ से ले कर अभी वहाँ तक, अभी घर के अंदर तो मैंने एंट्री भी नहीं की है। यहाँ ये इनका नल है, देखो मैंने जूम करके दिखा दिया, जब लाइट ना आए तो यहाँ से पानी भर सकते हैं। और आप लोगों को तो पता है गांव में सबके घर नल मिलेंगे आपको। और ये अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए हैं 3-4। और ये देखो गाय इसमें खाना खा रही है, मैंने सोचा आप लोगों को खाना दिखा दूँ। अच्छा बनाया है वैसे, सही है, साफ इसको साफ भी कर लो। और ये यहाँ गाय भैंस सब ये यहाँ पर अच्छे से सावन के महीने में झूला डाल के झूला झूल सकते हैं सब लोग। और ये देखो ये कितना, ये यहाँ 3-4 पेड़ हैं। ये देखो इतनी सारी जगह, इतना खुला खुला घर, कितना अच्छा लगता है ना इतने खुले खुले घर में रहने के लिए और इतने सारे लोग हों तो। और ये उधर की साइड मामी जी ने दिखाया, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी उधर की साइड, उन्होंने सब्जी भी कर रखी है। और ये है जो गाय का खाना है, जिससे खाना मिक्स करके बनाते हैं, भूस बोलते हैं शायद इसको। और ये क्यूट सी, देखो कितनी क्यूट सी लग रही है और ये अच्छी लग रही है ना, हाँ देखो कितनी क्यूट लग रही है। और अभी ये छोटी है, अभी ये बड़ी नहीं हुई। और यहाँ पे देखो केले का पेड़, मामी ने बताया यहाँ मिर्च हुई, तोरई हुई, और ये सारी सब्जियाँ यहाँ पे होती हैं। ये देखो ट्रॉली खड़ी है, ये उधर का एरिया भी मामी जी का ही है। और ये देखो काफ़ी बड़ा, ये बहुत बड़ा घर है, आप लोगों को वीडियो में तो दिख ही रहा होगा। बहुत मज़ा आया, उसकी सफाई करने में कितना टाइम लगता होगा भाई, बहुत ज़्यादा। मैं दीदी से यही कह रही थी, थक जाते होंगे इसकी सफाई करने में। और ये फूल लगे हुए हैं, ये छत से आप लोगों को दिखेंगे, ये फूल लगे हुए हैं। डेली जो दीदी पूजा करती है ना, वो इन्हीं फूलों से माता रानी के लिए माला बनाती हैं, बाहर से नहीं लाती। सारी चीज़ें शुद्ध, बिल्कुल घर की चीज़ें। गांव में यही सबसे अच्छी चीज़ है कि सारी चीज़ें शुद्ध आपको घर की मिलेंगी। और ये सब लोग हेलो कर रहे हैं कि मैं कैसे वीडियो बना रही हूँ, और सब लोगों को वीडियो में आना था तो सब हेलो कर रहे, सब खुश हो रहे थे कि हम लोग वीडियोज़ में आएंगे। और सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया वीडियो में आने के लिए। और ये इतने सारे आलू जो कि मामी जी के खेत में हुए हैं, तो ये सारे फैमिली के लिए हैं। और सारे तो आप लोगों को पता है सेल हो जाते हैं, कोल्ड में रखते हैं जब। और ये सारी देखो पूरी पुरानी पुरानी चीज़ें मिलेंगी आपको। फिर उसके बाद ये घर से घर में एंट्री करके ये आ जाता है आंगन, जिसको हम आंगन बोलते हैं। यहाँ ये पूरा आंगन है, यहाँ पे बीच वाली भाभी और छोटी वाली भाभी का रूम है। ये छोटी वाली भाभी का रूम है, और उसके बाद वो साइड वाला बड़ी बीच वाली भाभी का रूम है। ये वो वाला गेट है जो सबसे पहले वाले गेट पे ओपन होगा, ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। सो और उसके बाद ये है पुराने ज़माने वाला किचन, देखो चूल्हा, अंडरग्राउंड चूल्हा है ये। सो ये चूल्हा है, और यहाँ ये दूसरा चूल्हा है, गैस भी है, चूल्हे पे भी खाना बन जाता है, गैस पे भी खाना बन जाता है। और ये उनके खेत के भुट्टे, जो मैं पहले खा चुकी हूँ, आप लोगों को मैंने वीडियो में दिखाया था।
और ये अब मैं आप लोगों को छत दिखाती हूँ कि छत कितनी बड़ी है। अगर सोचो इनकी फैमिली में शादी हो कोई तो मैरिज हॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है, सारी चीज़ें खुद ही हो जाए। मतलब पूरा छत पे आप अरेंजमेंट कर सकते हो, हल्दी मेहंदी के फंक्शन रख सकते हो, संगीत रख सकते हो। देखो कितना बड़ी छत है देखो। और सबसे अच्छी बात कि छत की चारों तरफ पेड़ हैं, बढ़िया आप रील बना सकते हो, शूट कर सकते हो। देखो इतनी बड़ी छत है, गर्मियों में सब लोग छत पर ही सोते हैं, मुझे सब लोग बता रहे थे कितना मज़ा आता होगा, सब लोग लाइन से छत पर सो जाते होंगे। देखो कितना बड़ा है, अब आराम से यहाँ कोई भी फंक्शन हो सकता है। गांव में रहने के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, मज़ेदार मज़ा सबसे अच्छा माहौल बहुत अच्छा है गांव का, सब लोग मिल के रहते हैं, यूनिटी है जो कि शहर में इतनी नहीं रही, गांव में यूनिटी है, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। सो अब मैं जाती हूँ तैयार होने के लिए, और ये मैं बन गई हूँ नई नवेली दुल्हन। देखो मैं कैसे लग रही हूँ, घूंघट रख कर और रेड साड़ी पहनकर, रेड चुनरी पहनकर। यहाँ मेरी पूजा स्टार्ट हो गई जिसके लिए हम लोग आए थे। तो यहाँ मुझे भाभी बताती जा रही थी कि ऐसे ऐसे करना है, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। एक तो इतनी धूप गर्मी और फिर घूंघट साड़ी आदत नहीं है ना इसलिए। फिर उसके बाद ये लोग मुझे बताते जा रहे थे, मैं वो सारी पूजा करती जा रही थी। और इस पूजा की सबसे जो डिफ़िकल्ट चीज़ थी वो ये थी कि आपको मिठाई का डिब्बा दिया जाएगा, वो मिठाई आपको पूरी एक बार में खानी है। और अगर आपने एक बार में नहीं खाई तो आपके हस्बैंड खा सकते हैं, लेकिन आपको भी खानी खानी है जितनी आप खा सकते हो। तो बहुत मुश्किल है, यही सोच सोच के मुझे डर लग रहा था। और यहाँ मैं पूजा कर रही थी, तो आगे आप लोग देखना पूजा कैसे होती है। फिर आरती होगी, आरती के बाद मिठाई खाई जाएगी, पूरा आपको इसमें वीडियो में दिखेगा कि पूजा कैसे हुई। ये सब लोग आए थे जो मामी जी ने बुलाए थे, क्योंकि हमें 14 सुहागन खिलानी थी। तो ये साथ मेरी कोई शादी की रह रही थी, साथ कोई एक और चीज़ के, मतलब दोनों शादी से रिलेटेड थी। तो हमने ऐसे 14 लेडीज़ को वो मिठाई खिलाई, जिसमें से मैं भी थी। सो यहाँ ये मैं सब कुछ माता रानी को दिखा रही, मतलब होता है ना पूजा में कि माता रानी को पहले सब कुछ चढ़ाएंगे, उसके बाद फिर हम पूजा करेंगे। ये सब मैं भाभी छोटी वाली बताती जा रही थी, मैं करती जा रही थी। सो ये पूजा कर रही हूँ, उसके बाद ये मैं सब, मुझे उठना नहीं था, मुझे ऐसे बैठे ही बैठे सबको ये मिठाई देनी थी, जो कि बहुत मुश्किल हो रही थी इतनी गर्मी में भारी साड़ी और चुन्नी लेकर। लेकिन हो गया, और ये फिर ये मेरी बारी आ गई, मैंने ले ली ये, मुझे मिठाई का डब्बा पूरा खाना था, जो कि मुझसे बिल्कुल नहीं खाया गया, मैंने थोड़ा सा ही खाया, बिल्कुल नहीं खाया गया मुझे। और ये देखो सब लोग अब अपनी मिठाई खाएंगे। सो फिर अब होगी आरती। सो आरती के बाद अब मैं यहाँ गौर माता का सिंदूर लगा रही थी। सो सिंदूर लगाने के बाद ऑलमोस्ट पूजा डन हो गई है। सो ये मैं 3 बार सिंदूर लगाया जाता है, आप लोगों को भी पता होगा सिंदूर 3 बार भरते हैं जब भी हेयर वॉश करते हैं या कोई पूजा होती है। सो यहाँ दीदी गांव की किचन में सब लेडीज़ के लिए चाय बना रही थी। देखो कितने मज़े से चाय बना रही हैं। अभी क्या कर रही हूँ? ये भाभी ने आज खाना बनाया है गांव वाली किचन में, कितने मज़े आ रहे हालत याद है, ताजा हो रही है। नहीं तुम तो वो हो रही हो, वो नहीं होता क्या कहते रेड रेड साड़ी में अच्छी दिख रही हो बिल्कुल। मेरे को हमारे छोटे हुए बनाना जरूर। हाँ ठीक है, अब कौन है? अब माल ये काफी हमारे छोटे हुए बनाना जरूर। चलो
दीदी आशीर्वाद दिखी ना इसलिए। ओहो देखो देखो ये जो हमें गिफ्ट मिला है ये देखा कितनी खुशियां निकली है तो करना जब हम पहले रहो पास आई ये बना कैसे रहे अच्छे से तुम वाला अच्छे से देखो तुम आ ही नहीं रही हूँ जब ऊपर कर मंजर बंद कर सो एक पूजा कंप्लीट होने के बाद ये है हमारे कुछ बहुत प्यारे से पिक्चर्स। सो मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल राधे राधे माय फ्रेंड्स। भाभी, बच्चे, मामी जी, दीदी सबकी बहुत ज़्यादा याद आएगी, सब लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार दिया मुझे। सो बाय, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलना। बाय राधे राधे माय फ्रेंड्स।